देखें कि ईद में खुतबा ईद की नमाज के बाद होता है, जुमे में पहले होता है और ईद में ईद की नमाज के बाद होता है। लिहाजा सब खड़े होंगे, सफ वगैरह सीधी करें, इसके बाद नियत करेंगे। नियत इस तरह करेंगे कि नियत करता हूं दो रकअत नमाज ईद उल फितर वाजिब साथ जायद छः तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरे क़िबला शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। आप दिल में इरादा करेंगे तब भी नियत काफी है, जबान से अल्फाज अदा कर देना मुस्तहब होता है। तो फिर एक दफा सुने कि नियत करता हूं दो रकत नमाज वाजिब ईद उल फितर की साथ जायद छः तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरे क़िबला शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। याद रखें कि मुक्तदी भी इतनी आवाज से अल्लाह अकबर कहेगा कि अपने कान सुनेंगे, और फिर सना पड़ी जाएगी यानी सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। सना पढ़कर खामोश हो जाएंगे। अब इमाम साहिब तकबीर लगाएंगे। पहले एक तकबीर लगेगी, अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे, हमें भी तकबीर लगानी है, हाथ छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर लगाएंगे, फिर हाथ छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर लगाएंगे और हाथ बांध लेंगे। गोया कि यहां तक चार तकबीरें हुई। पहली तकबीर जब हमने लगाई तो उसके बाद सना पड़ी, फिर दूसरी और तीसरी तकबीर लगाकर हाथ छोड़ दिए, चौथी तकबीर में हमने फिर हाथ बांधे, यानी चौथी तकबीर के बाद हाथ बांध लिए। अब अल्हम्द शरीफ होगी, सूरत पड़ी जाएगी, रुकू सुजूद होगा, अगली रकत के लिए इमाम साहब खड़े होंगे। अगली रकत में पहले किराअत होगी, इसके बाद तकबीरात होंगे। अब इमाम साहब किराअत करेंगे, अल्हम्द पड़ी, सूरत पड़ी। अब तीन लगातार तकबीरें होंगी और इन तीनों तकबीरों में कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देना है, रुकू में नहीं जाना। तो अल्लाहु अकबर छोड़ दें, फिर अल्लाहु अकबर छोड़ दें, फिर अल्लाहु अकबर छोड़ दें। अब जब चौथी तकबीर इमाम साहब लगाएंगे तो इस चौथी तकबीर में बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाएंगे, और फिर रुकू में चले गए, इसके बाद पूरी नमाज मुकम्मल कर ले। तो इसीलिए हमने नियत में ये अल्फाज हम अदा करते हैं कि सात जायद छः तकबीरों के, इसमें छः तकबीरें जायद लगती हैं। चुनाचे फिर एक दफा समाअत फरमाएं कि पहले हमें तकबीर लगानी है, उसके बाद सना पढ़नी है, फिर लगातार दो तकबीरों में कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देना है, इसके बाद एक और तकबीर लगानी है, उसके बाद हाथ बांध लेंगे। फिर किराअत होगी, रुकू होगा, सुजूद होंगे। अगली रकत में पहले किराअत होगी, इसके बाद तीन लगातार तकबीरात होंगी और उसमें कानों तक हाथ उठाकर छोड़ना है। चौथी तकबीर में बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाना है और फिर बकिया नमाज को मुकम्मल कर लेना है। नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद खुतबा सुनना चाहिए, लेकिन फर्क यह है कि जुमे का खुतबा सुनना मतलब वाजिब होता है जुमे में, बल्कि जुमे की अदायगी के लिए शर्त होता है, और इसका खुतबा अदायगी के लिए शर्त नहीं होता। अगर किसी ने खुतबा नहीं भी पढ़ा तो ईद की नमाज हो जाएगी। बहरहाल खुतबा खूब गौर से सुने और इसके बाद फिर आपस में मुसाफा वगैरह करें, गले मिलें और अपने घर पर वापस तशरीफ ले आएं।